नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। यूपी सरकार का ये बजट कुल 5.50 लाख करोड़ का है, जो अभी तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही वायरस से 83 लोगों की मौत हो गई। अब जल्द ही टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 27 करोड़ लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। इस चरण को दो समूह में बांटा गया है। एक समूह को मुफ्त टीका लगेगा, जबकि दूसरे समूह को टीके के लिए भुगतान करना होगा। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल पर सवारी करते हुए नजर आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने कार्यालय तक साइकिल चलाकर गए हैं और तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताया। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने के लिए 23 से 27 फरवरी के बीच कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। और वहीं दिल्ली के हरिनगर इलाके में 8 साल के बच्चे को उसकी सौतेली मां बहुत बुरी तरीके से पीटती थी, जिसका पड़ोसियों ने विरोध भी किया था। पड़ोस के लोगों ने दिल्ली महिला आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, सूचना दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए महिला को पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में जंगल से बरामद की गई एक युवती की लाश के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके पूरे मामले का खुलासा किया। एमपी के सतना में एक डेंटिस्ट ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के मकसद से अपनी ही असिस्टेंट की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने इलाके में बैरिकेड लगाए हैं। फिलहाल पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के छावला में हमलावरों ने एक फाइनेंसर को गोलियों से भून दिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये गैंगवार की लड़ाई है। लाखों रुपए के लेन देन को लेकर दुश्मनी चली आ रही है, जिसके बाद बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया। और वहीं गाजीपुर में किसानों को बदमाशों ने गोली मार के घायल कर दिया है, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने होमगार्ड समेत 3 लोगों पर मुकदमा किया दर्ज। देहरादून में एसटीएफ ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले को ऊधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में देसी असला और कारतूस बरामद किए। गोरखपुर में बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे एक बदमाश को चोरी की बाइक के साथ पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके से फरार। फरीदकोट में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की फायरिंग करके हत्या किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लखनऊ में शराब के ठेके के नजदीक अज्ञात बदमाशों ने शराब पीने आए युवक को गोली मार दी। गोली चलने से भगदड़ मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदमाशों की तलाश शुरू की। बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 करोड़ की नेपाली चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से तलाशी के दौरान 21 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। भदोही में खेत में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ में जुटी हुई है। वाराणसी में 2 उचक्के एक महिला को खुद को पुलिसकर्मी बताकर लूट होने की घटना की बात कहकर उसके 2 लाख रुपए के जेवर लेकर मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की। बेंगलुरु के कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर रवि पुजारी की हिरासत मुंबई पुलिस को देने के आदेश दिए। मुंबई में गैंगस्टर के खिलाफ कम से कम 50 मामले दर्ज हैं। छतरपुर में हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने गांव पहुंची थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया है। फिलहाल पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और वहीं पटना में 15 साल की नाबालिग के साथ 3 लड़कों ने गैंगरेप किया है और मौके से फरार हुए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश शुरू की। बिग बॉस 14 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। रुबीना दिलेक विनर बन गई हैं। हालांकि ग्रैंड फिनाले एपिसोड ने दर्शकों को बीच बीच में बोर भी किया, जिसके बाद यूजर्स ने ट्विटर पर जमकर शो को ट्रोल किया। बिग बॉस 14 की टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने जीत लिया है बिग बॉस पर। रनर अप रहे राहुल वैद्य के चर्चे सोशल मीडिया पर रुबीना से ज्यादा हो रहे हैं। वह ट्विटर पर विनर से ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। सुनील ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सुनील कहते हैं कि ये एक मच्छर है, इसने मुझे काटा है और मुझे खुजली हो रही है, जिसके बाद वो वीडियो जमकर वायरल हुआ। एक्ट्रेस अनीता इन दिनों हैप्पी स्पेस में है। वो मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। अनीता ने सोशल मीडिया पर बेटे संग फोटोज शेयर की, जिसके बाद फैंस ने उन्हें शुभकामनाएं दी। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।